वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज रश्मि त्यागी। तो कैसी हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो देखिए, बज चुके हैं 5 सुबह के और मैं उठ गई थी और फिर सोचा कि छत पर घूम लूं, लेकिन सचिन जी कह रहे हैं कि चलते हैं, आज रोड की वॉक लेकर आते हैं। तो हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। शूज़ मैंने पहन लिए, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए जी, शूज मेरे रेडी हैं, ये, और हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो चलिए हमारे साथ जल्दी से। तो देखिए, शूज पहने जा रहे हैं और सचिन जी कह रहे हैं 1 लाख धंधा है घूमने के लिए। 1 लाख धंधा करना पड़ता है ना, बताओ कितने ले जी हैं, हद हो गए। अरे जूते भी ना पहनो, है स्लीपर पहन के चलो। तो देखिए कितना उजाला हो रहा है, सड़कें चमचमा रही हैं। 5 बजे तो मॉर्निंग वॉक शुरू हो गई है हमारी और काफ़ी लाइटिंग हो रही है। देखिए रोड पर चहल पहल है काफ़ी। तो आपने कभी मॉर्निंग वॉक की है? सब करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं। देखो फास्ट फास्ट चल रहे हैं। बेचारा डॉगी, कितना अंधेरा है, कहीं पर रोशनी हो रही है, कहीं पर अंधेरा हो रहा है। ये जा रहे सचिन जी, ये देखो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अब तो पतले होके ही मानेंगे। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, पतले होके दिखाना है। तो फिर भाग मिल्खा, भागो, नहीं भाग रहे, मत भागो। देखिए जी, ये हमारी जगह है, गेट खुला पड़ा और गेट खुला हुआ है पता नहीं क्यों, और ये हमारी दुकानें हैं। ये सारी दुकानें जो आपको दिखाई दे रही है हमारी है, ये हमारा फार्म हाउस है। तो हम जाएंगे वहाँ तक, पूरे रोड के उस पार तक जाएंगे वॉक करने। तो देखिए गाइस, हमारे गांव का शिव मंदिर आ चुका है, हनुमान शिव मंदिर। तो दर्शन कर लीजिए, डेकोरेशन कर। तो देखिए गाइस, हम आए जरूर हैं 5 बजे, लेकिन आज हमने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि लोग सारे जाग चुके हैं। तो कल से 4 बजे कोशिश करेंगे आने की, है ना। तो हम सोच रहे हैं कल से ना 4 o'clock आया करेंगे और 3 से 4 राउंड लिया करेंगे, क्योंकि बहुत उजाला हो जाता है 5 बजे से। तो फाइनली स्टार्ट तो हो गई है मॉर्निंग वॉक, कल से देखते हैं। बहुत लोग मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। ये देखो, ये जो भैया आगे जा रहे हैं ना, उसे कह रहे हैं कि कान में लीड लगा रखी है, जल्दी जल्दी जा रहा है। मैंने कहा तुम्हारी तरह थोड़ी ना, तो कह रहा मेरी तरह थोड़ी ना, मैडम को घुमा रहा काम बात, देखो इनके बात। और काफी लोग आ चुके हैं रोड पर और ये दूसरा राउंड है हमारा। घूम घाम के धक्के खा के आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी रोड पर, और अब आकर चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे, ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे। और पता है हमारे गांव में बहुत ज़्यादा जिम खुल चुके हैं, आज ही पता चला है मुझे। पहले तो 1-2 ही थे और अब तो पता ही 4 से 5 हो चुके हैं, बोर्ड लगे हुए थे इतने ज़्यादा। पर जिम लास्ट ईयर ज्वाइन किया है 3 मंथ के लिए, ज़्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिला, इसलिए अब की बार नहीं करेंगे। हम मॉर्निंग वॉक से ही अपना वेट लूज़ करेंगे और घर में सामान है जिम का, वो भी कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। चलिए चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, लेट हो जाऊंगी। तो देखिए जी, मॉर्निंग वॉक करके आ गए हैं फिर से एक बार छत पर, क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम है तो हमने सोचा छत पर ही चाय पी जाए। तो आ गई है हमारी चाय, तो करेंगे चाय पार्टी और फिर उसके बाद करेंगे बाकी का काम स्टार्ट। तो बताइए कैसा लगा घूम के आज, काफी समय बाद मॉर्निंग वॉक ली हमने, ठीक लगा? जल्दी उठना पड़ा करेगा 4 बजे से, तब घूमा जाएगा। और चाय हम पी चुके हैं, काफी आनंद आया सुबह सुबह चाय पीने का। 4 बजे तो घूमने जाना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ जी, कल कुछ करना, कल को 4 बजे उठना पड़ेगा यार, तभी कुछ हो सकता है हमारा, बाकी फिर नहीं होने वाला कुछ भी। अगर 5 बजे से घूमेंगे तो घूम तो लेते हैं, लेकिन इतनी भीड़ रहती है सड़क पे, आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत ज़बरदस्त वाली भीड़ हो जाती है और उजाला हो जाता, फिर उसमें अच्छा नहीं लगता घूमना। घूमने का भी तब भी ठीक रहता जब थोड़ा अंधेरा हो और भी ज़्यादा, 5 बजे से भी इतनी
सड़क पे ऐसा हो रहा था जैसा सुबह के 8 बज रहे हो सच में। ये देखिए एक्सरसाइज भी जारी है जारी है, तो फिर एक्सरसाइज भी चलती रहेगी और मॉर्निंग वॉक भी चलती रहेगी और हमारी मॉर्निंग फिर से स्टार्ट होगी खाना बनाने से और पूजा करने से। करिए जी करिए, पतले हो जाओगे ना। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह हो गई है और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और कान्हा जी को उठाने वाली हूँ और पूजा करूँगी सबसे पहले, और मैं बना रही हूँ खाना एज यूजुअल। और देखा जा रहा है अपना ही खुद का व्लॉग, और आज बन रहे हैं आलू मटर टमाटर। ठीक है जी, बना लें और फिर आपसे मिलते हैं। आलू मटर टमाटर बनाने के बाद इसकी रेसिपी तो आप सबको आती है, पर हाँ मैं कुछ अलग तरीके से भी बनाती हूँ कभी कभी, वो मैं आपको दूंगी, अभी नहीं दे रही। और वो बनाती हूँ मैं कस्तूरी मेथी डालकर, बहुत ही यम्मी टेस्टी लगते हैं, सौंफ और कस्तूरी मेथी डालकर ऐड करके बनाए जाते हैं, पर यार आज नहीं दे रही, किसी और दिन दे दूँगी। अब तो रोज़ मिलेंगे, रोज़ ही आलू मटर टमाटर तो सबके घर में बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, तब दे देती हूँ। ठीक है तो कर लूँ पहले काम, क्योंकि फिर ऑफिस जाएंगे वो। देखिए जी कपड़े निकल चुके हैं, लेट हो जाएंगे ना, और फैन भी चल रहा है, मशीन चल रही है, सब कुछ चल रहा है। थोड़ी देर में मिलती हूँ, कान्हा जी को उठा लेती हूँ, सो रहे हैं, इनकी पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। तो देखिए डाइट का खाना खा रहे हैं हम, 2 चपाती मल्टीग्रेन और वेजिटेबल गुड़ और मट्टे के साथ। नाम सचिन त्यागी। तो देखिए जी ये बनाने जा रही हैं मंदिर, उसके लिए चंदा लेने आई थी ये, तो हमने इनको भी कैप्चर कर लिया है। तो गाइस देखिए ये ना चंदा मांगने के लिए आई थी, यहीं हमारे पास में ना एक मंदिर बनने जा रहा है, तो ये बोल रहे थे आपकी जितनी इच्छा हो आप चंदा दे दीजिए, तो हमने उनको दे दिया। और वो जा चुकी हैं और शाम हो चुकी है, चाय पी चुके हैं, बर्तन साफ किए जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छी धूप थी, अभी भी देखो शाम के बजे हैं 5 और अभी भी धूप है। तो देखिए दिन बढ़ता जा रहा है, बड़ा दिन होता जा रहा है। तो देखिए पूरे दिन यही सब किया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है आज इस व्लॉग में, क्योंकि ज़्यादा चहल पहल नहीं मिली है। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं उधर की साइड। तो आज काफ़ी समय बाद इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं ना, जब छुट्टी हो जाती है तो बच्चे खेलते बहुत है, नहीं तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, ट्यूशन जाओ ये जाओ, और बहुत शोर आ रहा है। हेलो मैम, आपको उन्हें बताइए, सर्वे कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो किस चीज़ का है ये? ये मैम हम लोगों का एक शोरूम खुला है ईएसएन शॉप के नाम से, गाजियाबाद गोविंदपुरम में। ओके। तो हम इसका कर रहे हैं सर्वे। इस कार्ड से ये बेनिफिट है, जैसे जरूरत पड़ने पे आप हमारे ऐसे कोई भी परचेसिंग करोगे तो 25% का आपको डिस्काउंट है। ओके। टाइम है तो आप जाके परचेसिंग कर सकते हैं, वरना आप घर बैठे मंगा सकते हैं। ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन फैसिलिटी है ये, है ना? फोन करके मंगा? नहीं, शॉप है ये, लेकिन शोरूम है तो उसमें जो भी हमें मंगाना है तो फोन करके मंगा। अच्छा क्या प्रोडक्ट हैं जो इसमें? अच्छा अच्छा, तो देखिए ये आए हैं यहाँ पर सर्वे करने के लिए और बता रहे हैं कि इन्होंने एक नया शोरूम ओपन किया है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या है ये। फ्री चलता कैसा है मैम? मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, कार्ड बनवाना पड़ेगा। देखिए जी आपके पड़ोसन भी दे रहे हैं तो आपको चला। पड़ोसन नहीं है वो, हमारी जेठानी। अच्छा जेठानी है। चलो चॉइस करनी है। मैं देखो 500 रुपए खर्च कर रहे हैं यार। 600 रुपीज ये तो मिलेगा ना, फिर भी वो भी मिलेगा जो 1000 से ऊपर निकलेगा। चलो मम्मी चूज करो अपने शुभ हाथों से। ये हमें ऑफर देने जा रही है ना, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं देख रहा वीडियो, नहीं देख रहा ये 500 रुपए ले रही है, मना कर रही है वीडियो मत बनाओ। चलो मैं बाद में दिखाती हूँ मेरा क्या प्राइस निकला। ठीक है, खाली जाएगा तो कुछ आपको देना थोड़ी है। अच्छा चलो चलो करो ना इसका स्क्रैच। नाम बताना। पर खास बात ये है मैम, हम कंपनी की जॉब कर रहे हैं, जो निकलेगा वही मिलेगा आपको। जैसे मेरा निकला है ये केटल, आप इसके जगह कुछ और मांगो कि ये दे दो चेंज में, ये दे दो, ये दे दो, तो वो नहीं होगा। जो देखो कूपन में निकलेगा वही मिलेगा, लेना। लेकिन पैसे मुझे उतने ही देने ना, कंपल्सरी, चाहे आपका निकले 1100 1200 2000 चाहे कितने का भी देना। चलो आज देखेंगे अपनी किस्मत लॉटरी, देखती हूँ मेरी किस्मत कितनी आगे आगे चल रही है यार। फिलहाल तो अच्छी चल रही है। जय श्री कृष्णा राधे कृष्णा, निकल जाए मेरा अच्छा सरप्राइज। यही निकलता है, ये भी अच्छा है। ये तो फिर ये है, ये तो फिर ये है। हाँ ये फिर ये तो हमें खरीदना था वैसे भी यार। वही तो ये तो हमें खरीदना था।
और मैम कार्ड की वैलिडिटी आपकी 7 मंथ तक, कोई भी परचेसिंग करते हैं 25% डिस्काउंट। ओके जल्दी से सिग्नेचर करेगा, एक सिग्नेचर है ही नहीं आपका तो बात से, पर करना सिक्के से, सिक्के से करना है क्योंकि मैम इसमें थोड़ा केमिकल होता है उसकी वजह से, सिक्का लाना पड़ेगा। चलिए क्या कोई नहीं, ठीक है मैम करो स्क्रैच। अब वो लगे क्या निकलेगा, वेजिटेबल निकला, फ्रूट कटर भैया मिल गया मेरे को तो, मिल गया ये तो सस्ता ही होगा यार 1000 से। क्या निकला, वेजिटेबल फ्रूट कटर। चलिए मैम यही निकला ना, सो वेरी गुड। नहीं तो ये मैम वेजिटेबल फ्रूट कटर होता है, ये चॉपर तो है ही आपका, इसमें आपके होते हैं 13 ब्लेड, 13 तरीके से कुछ भी आप जल्दी जल्दी चॉप कर सकते हो। टीवी से मंगाओगे 1250 का आता है, सजावट कंपनी का, हमारे पास स्टील ब्लेड का और अनब्रेकेबल प्लास्टिक का, गिरेगा तो टूटेगा भी नहीं। टीवी से मंगाओगे 1250 का आएगा, लेकिन हमारी जो कंपनी सेल करती है तो केवल आपको 699 देने पर मैं के लिए आलू टमाटर दिखा दीजिए। देखिए जी मैंने क्या 700 रुपए देने ही पड़ेंगे, माय गॉड खुला हुआ नहीं है 2000 रुपए। मम्मी को मिला वेजिटेबल एंड फ्रूट कटर। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये आए थे अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए और मैं फंस गई इनकी बातों में, लूट भी गई हूँ मैं। देखो 700 रुपए देने पड़ेंगे, अब सचिन जी आके लगाने वाले हैं डांट। तो ये भी तो फ्री मिला है ना। दूसरे कार्ड में निकला उनका सोना बैग, जानते हैं मोटापे वगैरह में मुझे काम आती है, उससे बेस्ट आपका ये निकली मैम। सजावट कंपनी का होता है, इसमें प्राइस ये है, यूज कैसे करते हैं आपको बता दीजिए, अगर आपके घर में है आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। है ही नहीं, है नहीं, नहीं वो दूसरे वाला है हमारे पास, ये नीचे वाला नहीं है, ये सिंपल ऊपर का होता है ना ये, हाँ, हाँ, उसके साथ जो फ्री आते हैं। लीजिए मैम टेक इट। जैसे मैम आपको काटना है आलू इस तरीके से आपने रखा, वेरी गुड। आपको सैलेड काटनी है, आप इस वाले ब्लेड को हटाकर इस वाले जाओ मैम 700 रुपए लेके आओ, जाओ भाग के जाओ, घर बैठे शॉपिंग हो गई है। इस तरीके से रखा, गोल गोल टमाटर कट जाएगा सैलेड का। हाँ चलिए जी, सारी चीज कटेगी मैम, चलिए गुठली होती है, कोई नहीं गुठली वाले आइटम नहीं कटेंगे है ना, तो ये भिंडी वगैरह भी कट जाएगी ना इसमें सब कुछ। चलिए जी धन्यवाद, आपने हमें ये दे दिया, वैसे ही हमें खरीदना था घर पे मिल गया, खरीदना था। और क्या बोलू भाई, लूटने के बाद क्या बोलेगा मैम, लूटे नहीं लूटना। अरे यार घर में बैठे बैठा है तुमने 700 रुपए में एक कुर्ती आ जाती मेरी। चलो कोई नहीं, ऐसे ऐसे रिस्क लेने चाहिए लाइफ में, इतनी मेहनत कर रहे हो भाई। चलिए इसने 700 रुपए, बहुत अच्छा लगा मुझे शॉपिंग करके, घर में बैठ के ही शॉपिंग हो गई है, कोई वैसे नुकसान वाली बात नहीं रही, हमें ये चॉपर भी मिल गया और वेजिटेबल कटर एंड फ्रूट कटर भी मिल चुका है जिसकी हमें नीड भी थी। मैं मजाक कर रही थी इनसे, सच में कोई घाटे का सौदा नहीं है वैसे, अगर चाहे वैसे लकीली चाहते ना तो और भी प्राइजेस निकल सकते थे, बट हमारे पास और रुपीज नहीं है क्योंकि अगर नहीं निकले ना तो यार कहाँ से लाएंगे, फिर उधार करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा ना दोबारा। तो चलिए जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अंदर आ चुके हैं हमारे यहाँ पर, टंकी चला दी है और देखो पानी कैसे पी रहा है मंकी, अपने आप पानी पानी चला के पानी पी रहा है, बंदर पानी पी रहा है अपने आप, पी लो पी। हाय बंदर, देखो इसने हाय कर दिया, कैसे कर रहा है, खुद टंकी चलाई है खुद पानी पी रहा है, देखो पानी मिल नहीं रहा ना मुझे। देखो इन्हें सब कुछ पता होता, बहुत क्लेवर होते हैं मंकी और पानी पी रहे हैं। तो देखिए श्रुति का है बर्थडे और श्रुति खिला रही है मेरे को केक, हैप्पी बर्थडे। और श्रुति ने तो मुझे मौका भी नहीं दिया, मैं तो सोच रही थी ड्रेसअप हो जाऊंगी, है ना निखिल भैया। मैं सोच रही थी अच्छे से ड्रेसअप हो जाऊंगी, तुमने तो मौका ही नहीं दिया, ये देखो सही सही हाँ सही है सही है सही है सही है, देखो देखो खाओ केक खाओ केक। तो ये देखिए खेल रहे हैं सारे बच्चे और पापा भी हैं यार, मुझे पता नहीं था, तो कैमरे में पापा भी आ गए, मुझे पता नहीं था पापा भी हैं, और मैं कैप्चर कर रही थी कि बच्चे खेल रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ ये सारे बच्चे खेल रहे हैं उधर की साइड। तो चलिए जी गेट कर लेते हैं बंद, कर लेते हैं खाने पीने की तैयारी, और मुझे ना आज प्रेस भी करनी है यार, प्रेस का काम हर दूसरे दिन तीसरे दिन तैयार हो जाता है, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं इसलिए। तो चलिए जी कर लेते हैं प्रेस की तैयारी,
आप भी चलिए, करवाएंगे हमारे साथ प्रेस? नहीं करवाएंगे, मुझे पता है, देखेंगे आप, चलो देख लेना। चलिए जी, बाय बाय। देखो गुलाब के कितने प्यारे फूल खिले, दिखाऊं आपको? वाओ सो ब्यूटीफुल। और ये वाला जो पेड़ है ना, ये इलायची का है। इसमें इसे बोलते हैं, अगर आप इसे चाय में डालेंगे ना तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी सच में। तो देखेंगे, ट्राई किसी दिन इसकी चाय बनाते हैं कैसी बनती है। चलिए जी, शाम की जो कर ली जाए, यानी कि दिया बाती कर ली जाए। और आज मैं हो कैसी रही हूँ, कितनी बुरी लग रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल जैसे उठी थी ऐसे ही, जैसे दोपहर में सो जाते ही वाली हालत हो रही है। मैं बुरी लग रही हूँ ना आज, कभी कभी ऐसे भी रहना चाहिए, ज़्यादा मेकअप और फैशन करके भी अच्छे नहीं लगते हैं ना। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल हूँ, कल को कर लेंगे मेकअप, मेकअप कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा। तो पहले हम कर लेते हैं दिया बाती। कान्हा जी आराम से बैठे हुए हमारा वेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद किचन हमें बुला रहा है कि आ जाइए खाना बनाना है। तो देखिए सचिन जी कह रहे हैं जल्दी आ जा, भूख लगी है बहुत जोरों की, खाना बना दे। तो अपना तो यही काम है बस, अब जैसे वो वाला गाना है ना, अपना सपना मनी मनी मनी, तो यहाँ पे अपना काम खाना 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 बनाना। तो भैया हम तो खाना बनाने के लिए ही बने हैं। तो ठीक है जी, खाना बनाएंगे और खाएंगे, और फिर उसके बाद आपसे करेंगे गुड नाइट एवरीवन। अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे खाना खाने के बाद, ठीक है? तो जोत बाती, तो सॉरी दिया बाती कर लूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। तो देखिए आज बनाए जाएंगे करेली और दाल। तो करेली की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो बताइए, दे दूँ क्या आज? ठीक है जी, दे देती हूँ। आप करेले छील लिए गए हैं, इसमें नमक ऐड किया जाएगा जिससे इसका कड़वापन दूर हो जाए। तो देखिए जी नमक ऐड कर देते हैं, ये रहा नमक ऐड हो रहा है। और स्वाद अनुसार नहीं करना है इसमें, इसमें थोड़ा ज्यादा करना है जिससे इसका कड़वापन दूर हो जाए। और ये ना थोड़ी देर में, एक दो घंटे में पानी छोड़ देंगे, उस पानी को अच्छे से निचोड़ देना है, उससे क्या होगा इसका कड़वापन दूर हो जाएगा। और फिर आगे की रेसिपी मैं बाद में बताती हूँ। उसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से, और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हम छोड़ देंगे, ठीक है? और इसको बाद में बनाएंगे, अब रख देते हैं इसको बस। देखिए जी, मैं सोच रही थी करेले की रेसिपी दूंगी, पर टाइम ही नहीं मिला, श्रुति का बर्थडे था, फोन आ गया, उसके चक्कर में लग गई मैं, और फिर मेरे को करेले बनाने पड़ गए और रेसिपी नहीं दे पाई मैं आपको। तो करेले बन चुके हैं ये देखिए, और खाने के बाद पता चलेगा कैसे बने हैं। रेसिपी फिर किसी और दिन दूंगी, टाइम ही नहीं मिला, इस चक्कर में लग गई। मैंने कहा रेसिपी शूट करूंगी, फोन आ गया उसका, और मैं खुद रेडी नहीं हुई थी उस टाइम पर। सोच रही थी शाम को रेडी हो जाएंगे, रील्स बना लेंगे और बर्थडे विश कर देंगे। देखिए चीकू आए हैं, चीकू खा लेते हैं। धुलाई, आलू की धुलाई चालू है, और जी क्या करना है, कुछ नहीं करना, 6:30 बज गए। यस, आई थी ऊपर और यहाँ पर लगाई थी मैंने झाड़ू, ये देखिए सारे में पत्ते इकट्ठे करके रखे थे, बहुत बुरी हालत हो रही थी। इतने में देखा तो फिर से मंकी आ चुका है एक बार। महाराज खुले हुए पैसे कभी भी नहीं देते मुझे, ये घूम रही इधर इर्द गिर्द, क्यों कह रहे? ये देख पर्स में 500 के नोट भर रखे हैं मेरे। अरे 500 का मैं क्या करूंगी? तो खुला, खुद खुला लो ना। कहाँ से खुला हूँ मैं, जब मैं कहीं जाती हूँ मेरे पास खुले हुए पैसे नहीं रहते। तुम रोज पी रहे हो तो खुला लो। इतनी आदत खराब हो रही है, कभी भी खुले हुए पैसे नहीं देते मुझे, कहीं भी जाऊंगी मैं इतनी परेशान हूँ, 500 के नोट दे रखे हैं। अरे 500 के नोट चलते हैं क्या? बता दो, 50-50 के, 100-100 के खुला के लाओ, फिर मुझे चाहिए। मैं इतनी परेशान होती हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ता है, मैं 500 के नोट कौन खुला रहा बताओ? मेरे आराम से खाने में लग रहे, बिल्कुल सुनाई नहीं आ रही। तो तुम्हारी तारीफ हो रही है ना, इसलिए क्यों सुनोगे? देखिए बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, रात के 10 बज गए हैं, पट्टी बांधी जा रही है क्योंकि ब्लड अभी भी निकल रहा था थोड़ी देर पहले भी, पता नहीं जैसे प्रेस हुआ एकदम निकलने लगा, देखते हैं कब सही होती है चोट।